काफ़ी सेंसिटिव वीडियो है और साथ ही साथ एक ही लीगल चीज़ के बारे में चारों डिटेल से बात करने तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप NI जॉब करते हैं और आप कंप्लीट हर वीक 20 घंटा कर लेते हैं तब जाके आप अराउंड 800-900 पाउंड अर्न करते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 1200 तक ही कर पाएंगे अगर अच्छा पीरियड मिल रहा है। लेकिन क्या होता है ना, इसमें आपका कुछ भी एक्सपेंस हो गया या ट्यूशन फीस हो गया या आपका लोन है तो ये सब मैनेज नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि कैश इन हैंड जॉब कैसे मिलेगा या कैसे करेंगे, ये सेफ़ है या नहीं है, जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ और इंटरनेशनल बिजनेस मेरा कोर्स है और लगभग ये 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं डिटेल्स में बात करता हूँ। सबसे पहले जो अपने दिमाग में ये बात कर ले कि ये कैश इन हैंड टोटली इलीगल है और आप इसके लिए बहुत सारे कंसिक्वेंस आपको गुजरना पड़ सकता है, आपको PSW नहीं मिल सकता है, आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लास्ट ऑप्शन समझ लीजिए, वही रखिए, क्योंकि रिस्क मत लीजिए। आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं और जब आपका मजबूरी हो तभी करें, ऐसे कोई सजेस्ट नहीं करता है। देखिए पैसा हर चीज़ मैटर नहीं करता और स्टूडेंट लाइफ तो आपका इजीली एक साल का निकल जाएगा, मेन जो है आपका PSW लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपको कैश इन हैंड आपको सिर्फ ACA नहीं देंगे, आपको ब्रिटिशर कभी नहीं देंगे। हाँ, एक सिचुएशन है जब आप फ्रीलांसिंग काम करते, जैसे आपका पेंटिंग हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, या आप उनका गार्डन साफ कर देते हैं, गार्डनिंग का काम हो गया, तो ये सब छोटा मोटा काम जो है वो उसमें आपको कैश इन हैंड पैसा दे देते हैं। लेकिन क्या है, आपका जो फिक्स जॉब है, आप सोचेंगे किसी ब्रांड में, स्टोर में, कंपनी में जाके आप पूछेंगे तो आपको वो बिल्कुल नहीं देंगे। आप पूछना भी मत, नहीं तो वो क्या पता कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कौन कब दुश्मन बन जाए। तो आपको देखिए ACN ही आपको कैश इन हैंड जॉब देंगे, उसके लिए आपको सब स्टोर में जाना पड़ेगा। जो ACN लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो यही लोग देते हैं। और आपको रेस्टोरेंट हो गया, आपका वेयर हाउस हो गया, समझे, तो ये सब जहाँ पे आपका ACN लोग का कंट्रोल है वही लोग देते हैं। और जो मिनिमम आपका रेट है वो आपको कहीं पे 5 पाउंड देते हैं, कहीं पे 6 देते हैं, समझे, तो ये वैरी करता है कैसा काम है नहीं है, और मैक्सिमम आपको 8.5 तक दे सकता है। और ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे जहाँ पे इनका वादी है या जो एरिया है तो वहीं पे आपको ये मिलेगा, हर जगह आपको पॉसिबल नहीं है। तो आप जल्दी से सबसे पहले रेस्टोरेंट वगैरह में अप्रोच करें अगर आपको चाहिए तो, उसके बाद में जहाँ जहाँ वेयर हाउस में ये लोग का है या स्टोर है ये सब में है, और जो भी आपको करना है फ्रीलांसिंग काम जैसे मैंने बोल दिया वो सब में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि इसके बारे में मैंने बताया कि ये इलीगल भी है और रिस्क में इसमें क्या है कि क्योंकि आप ACN के पास काम करेंगे तो वो तो आप जानते हैं कितने सियाने होते हैं, तभी तो वो कम पैसे पे एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, कहीं कहीं पे आपको कैश इन हैंड पे काम करवा लेते हैं लेकिन आपको देते नहीं है या बहुत लेट करते हैं, लास्ट में आप ही सोचते हैं चलो जाने दो, नहीं दे रहा है, 2-3 महीने ऐसे कर देते हैं। और सिक्योरिटी वाले जॉब में भी कैश इन हैंड मिल जाता है, तो आप जहाँ भी करें तो या तो पर वीक के हिसाब से करें या तो डेली उनसे ले लें, समझे, ऐसे आप छोड़े नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कंप्लेंट करने का और ना ही कुछ प्रूफ रहेगा। वैसे तो देखिए जॉब बहुत सारे हैं लेकिन आपको खुद घूमेंगे खोजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैश देता है नहीं देता है। मैंने लगभग आपको 6-7 ऐसे जगह बता दी हूँ जहाँ पर आपको इजीली कैश मिल सकता है। और आपको जो भी और कुछ जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ऐसे समझ में आता है कि आप भी मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।